टाइम में आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। साल 2006 और महीना फरवरी का अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में एक बार कार में दो लोग बैठे हुए, एक का नाम जैकी डॉर्सी था और दूसरे का नाम नोआ क्लार्क। दोनों नशे में थे, दोनों ओडीओ नाम की कंपनी से जुड़े थे। नोआ इस कंपनी के को फाउंडर थे तो जैक इस कंपनी में वेब डेवलपर का काम करते थे। ओडीओ पोस्ट कार्ड बनाने वाली एक वेबसाइट थी। ये वो वक्त था जब एप्पल ने आईपॉड लॉन्च किया था। इसके बाद ओडीओ की हालत खराब हो गई, कंपनी घाटे में चल गई। उस रात नशे में जैक डॉर्सी ने नोआ से कहा, मेरे लिए यहाँ अब कुछ भी नहीं, मैं सब छोड़कर फैशन डिजाइनर बनना चाहता हूँ। तब नोआ ने कहा, इरादा तो मेरा भी ऐसा ही है, लेकिन असल में तुम करना क्या चाहती हो? जवाब में जैक ने कहा, एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ जिस पर लोग अपना करंट स्टेटस बताएं, वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। आखिर में नोआ ने कहा कि प्लान तो अच्छा है, इस पर काम भी हम करते हैं। कुछ दिनों बाद ओडीओ के ऑफिस में ग्रुप मीटिंग हुई, सभी से आइडिया मांगा गया। जैकी डॉर्सी ने कागज में अपना आइडिया लिख कर दे दिया। डॉर्सी ने अपना प्लान बताया कि एक नंबर पर मैसेज करिए और आपका मैसेज सभी दोस्तों तक चला जाएगा। नोआ ने हामी भर ली। नोआ ने डॉर्सी के इस प्लान को ट्विटर नाम दिया। ट्विटर का शुरुआती नाम यही था। 22 मार्च 2006 को डॉर्सी ने पहला ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, जस्ट सेटिंग माय अप ट्विटर, यानी कि बस अपने ट्विटर को सेटअप कर रहा हूँ। 15 जुलाई 2006 को ट्विटर को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया। कुछ दिनों बाद इसका नाम भी ट्विटर से बदलकर ट्विटर कर दिया गया। हालांकि शुरुआती कुछ महीनों बाद ही शेयर होल्डर्स को लगा कि कंपनी का कोई भविष्य नहीं है और उन्होंने अपने शेयर बेच दिए। आज उसी ट्विटर को दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने $44 अरब यानी कि करीब 3.36 लाख करोड़ रुपए में खरीद लिया है। टेस्ला कंपनी के प्रमुख एलन मस्क और ट्विटर के बीच सोमवार को डील फाइनल हो गई। जानकारी के अनुसार मस्क ट्विटर को $44 अरब यानी कि लगभग 3,36,927 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं। इधर ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग अग्रवाल के हवाले से न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने खबर दी कि पराग अग्रवाल ने सोमवार को कर्मचारियों से कहा कि एलन मस्क और ट्विटर के बीच डील फाइनल होने के बाद ट्विटर का भविष्य अनिश्चित हो गया है। एक बैठक में बोलते हुए अग्रवाल ने कहा कि डील फाइनल होने के बाद हम नहीं जानते कि प्लेटफॉर्म किस दिशा में जाएगा। एलन मस्क द्वारा ट्विटर को अधिग्रहित करने के बाद भारतीय मूल के CEO पराग अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। जानकारों का मानना है कि मस्क अग्रवाल के साथ कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं बढ़ाएंगे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर के अनुसार डील के बाद पराग अग्रवाल ने टाउन हॉल में बोलते हुए कहा कि ट्विटर का भविष्य अनिश्चित हो गया है, जिसके बाद से संभावना को और अधिक बल मिलने लगा है। CEO पराग अग्रवाल के ट्विटर से निकाले जाने की संभावना को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच रिसर्च फर्म इक्विलर के अनुसार अगर 12 महीने के अंदर उनकी छुट्टी होती है तो कंपनी को उन्हें $42 मिलियन की राशि का भुगतान भी करना होगा। एलन मस्क द्वारा ट्विटर को खरीदने के बाद मानवाधिकार समूह ने सोमवार को ट्विटर पर अभद्र भाषा के बढ़ने की संभावना को लेकर चिंता जताई। मानवाधिकार समूह फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट वाले उनके बयान को लेकर चिंतित बताए जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरे सबसे बुरे आलोचक भी ट्विटर पर बने रहेंगे, क्योंकि फ्री स्पीच का यही मतलब होता है। एलन मस्क द्वारा ट्विटर को खरीदने के बाद मानवाधिकार समूह ने सोमवार को ट्विटर पर अभद्र भाषा के बढ़ने की संभावना को लेकर चिंता जताई। मानव अधिकार समूह फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट वाले उनके बयान को लेकर चिंतित बताए जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरे सबसे बुरे आलोचक भी ट्विटर पर बने रहेंगे, क्योंकि फ्री स्पीच का यही मतलब होता है। दरअसल एलन मस्क द्वारा ट्विटर को खरीदने के बाद बोर्ड में परिवर्तन की पूरी उम्मीद की जा रही है। बता दें कि हाल ही में एलन मस्क ने अपने ट्विटर में कहा था कि अगर मैं ट्विटर की बोली जीत जाता हूँ तो बोर्ड की सैलरी $0 होगी, इससे हर साल $30 लाख की बचत होने वाली है। व्हाइट हाउस ने सोमवार को ट्विटर इंक को खरीदने के लिए अरबपति एलन मस्क के सौदे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन लंबे समय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की शक्ति को लेकर चिंतित है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जेन सेकी ने कहा कि हमारी चिंताएं नई नहीं है। तो भारत ए टाइम में आज बस इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए नमस्कार।